इस वक्त हम गोवंडी के बाबा नगर एरिया में लाइव अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे दो दोस्तों की आपसी दुश्मनी की वजह से एक बेगुनाह मासूम की मौत हो गई। उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि गोवंडी का जो हाल है वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पर गोवंडी में हर आए दिन मर्डर की, रेप की, पोस्को जैसे जो खतरनाक जो चीज़ें हैं, किसी के ऊपर भी केस बना देना, नशे का कारोबार इस कदर तेज़ी से बढ़ गया है कि यहाँ पर पुलिस की, प्रशासन की कोई गिनती नहीं है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं और जिनके घर में ये हादसा हुआ है, जिस बेगुनाह की जान गई है, उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त गोवंडी से हम लाइव आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। मतलब ये जो आपके यहाँ पे जो हादसा हुआ, कौन था ये लड़का, आपका कौन लगता है जो ये खत्म हो गया? हाँ, इनका नवासा था। नवासा है। कभी हुआ ये हादसा? 3 बजे का टाइम। कौन लोगों ने मारा ये मैं तो जानती नहीं, वो लड़के लोग लेके आया था वसीम। कितने लड़के? वसीम को जानती हूँ, 12-13 लड़के थे और 3 लेडीज थी। 3 लेडीज और 12-13 लड़के थे। तो इसमें क्या मतलब क्या हुआ था, क्या चीजें थी जो इतना मामला अभी बढ़ गया? लोग का ये दूसरी छोटी लड़की मेरी, उसका पैसे का उसका कुछ मामला था, तो पैसा मांगने जाती थी तो झगड़ा करता था, मारपीट करता था। तो ये 5-4 दिन पहले गई एनसी लिखाने चौकी में। अरे बोले जाना, रुको तो थोड़ा। ऐसे ऐसे देखो मेरे को धमकी दे रहा है, बोले रंडी तेरे ऊपर मैं 10 चढ़ाऊंगा लाके घर पे। तो ये गई डर के चौकी में, तो चौकी वाले कुछ नहीं करे। कौन सी पुलिस चौकी है ये? माड़ा एरिया। कौन सा है? शिवाजी नगर। हाँ, गोवंडी माड़ा। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कौन गया था पुलिस स्टेशन? यही गई थी। लाइए, उनको उनसे बात करनी है। सोनी ऑटो जरा सुनिए। यही गई थी। ऑटो थोड़ा ऑटो जान दो। ये बैठी है, यही गई थी। ये बताओ ना कि क्या क्या चीज हुई थी, क्या माजरा था ये पूरी, क्या चीजें थी, क्या हुआ, कैसे उसकी जान गई आपके भाई की? भाई है ना आपका? भांजा। भांजा है तो कैसे आपके भांजे की जान गई? जोर से बोलना। मेरा आदमी का दोस्त है। आपके आदमी का है, मैं उनसे बात करूँ कि आपकी आवाज रो के आपकी आवाज नहीं निकल रही, आप बेहाल हो एकदम, तो मैं आपसे बात करूंगा तो आवाज आपकी आवाज नहीं आएगी। कहाँ है वो आपके हस्बैंड, और ये इस पूरे मामले में कौन यहाँ पे लोग, जो कौन था जो उसने पूरी सारी चीजें देखा? देखो घर पे गएगा। गोवंडी में ऐसी हालत हो गई है कि हर आए दिन आपको यहाँ पे मर्डर की वारदात देखने को मिलेगी, उसको देखने मिलेंगे आपको, नशे की चीजें देखने को मिलेगी, हर गली कूचे पे आपको नशा बिकता हुआ दिखाई देगा। सारी इलीगल एक्टिविटीज अगर आप देखें तो आपको गोवंडी में देखने मिलेगी। यहाँ पर कुछ बात ऐसी है कि सब देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। मुझे आप बताइए कि क्या माजरा हुआ था, आप यहाँ पे लोकेशन पे थे सब, जो हादसा हुआ था तो क्या हुआ था यहाँ पर पे? जोर से बोलना। मैं एक्चुअली दुकान पे बैठा हुआ था। हाँ, कुछ 13-14 लोग आए मेरी दुकान पे, मुझे सिगरेट लिए। कब की बात है ये? लगभग 2:30 बजे के बीच की बात है। सिगरेट लिए, पिए, खुद पे व्यक्ति बोलते हैं भाई क्या काम है, वो बोलता है रुको मैं अंदर एक काम बैठा के आता हूँ। बस वो अंदर घुसते 13-14 लोग, उसमें से उसके बाद 2 मिनट बाद ही लड़का भाग के आता मेरे पास, बोले आपके खाली को अंदर मार रहे, तो मैं दुकान छोड़ के भागता हूँ अंदर। अब भागने के बाद देख रहा हूँ तो अंदर झगड़े चालू है, फिर वहाँ से निकल झगड़ा आता बाहर। वो मरने वाला जो डेड जो है सोहेल, वो यहाँ से जाता छुड़ाने के लिए, उसका कोई कसूर नहीं था। जाता हूँ करते करते उसको आगे ले जाते, उसको लकड़ी बम्बू सलिया से सर पे हाथ पे मारते हैं, उस जगह पे वो लेट जाता, बेहोश हो जाता है। जब ही यह हादसा हुआ, जब लोग उसे मार रहे थे, कितने बजे का टाइम था ये? तकरीबन 2:30 या 3 बजे था, 3:45 हो रहा होगा। 3:45 दोपहर के 3:45 बज रहे थे। हाँ, दोपहर के। तो क्या लोग नहीं थे यहाँ पे छुड़ाने के लिए? बहुत लोग थे। तो क्यों नहीं छुड़ाया किसी ने? कोई बीच में आया नहीं। वजह क्या थी? बस क्या वजह थी, यहाँ कोई आता ही नहीं बीच में, बोले हम जाएंगे तो हमको करेंगे। अभी वो लोग क्या हाथ में बामू है, तलवार है। अब मैं गया बीच में तो मुझे लगा एक हाथ थोड़ा सा लगा। क्यों आपको ऐसा ही लगता है कल किसी और को मारा, आज किसी और को मारा, कल तुम्हारे ऊपर ये बारी आ सकती है, तुमको भी कोई इसी तरीके से मारेगा, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? लगता है, बाकी हम तो गए थे,
हम देखते हैं कहाँ है सोहेल, सोहेल का क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद लोगों ने उसे मारा तो हुआ क्या? मतलब सोहेल को दवा खाने ले गए शताब्दी, कौन से हॉस्पिटल में? शताब्दी पहले ले गए, थोड़ा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, उसको आगे जवाब दिया, साइन ले जा रहे थे, रास्ते में डेट हो गई, अभी तो फिलहाल साइन में है। कितने साल का था सोहेल? ये तकरीबन 20 साल का था। तो क्या सोहेल की माँ ने उसे इसलिए 20-22 साल का किया कि कोई उसे लोग आकर के मारकर चले जाए? आपकी माँ ने क्या करेंगे? नहीं, आप ये गुंडा कर दिया, ऐसी है, ये जब आप जब सोहेल को लोग मार रहे थे तो आप छुड़ाने के लिए गए थे बीच में? बस थोड़ा गया हूँ आगे, और तो कोई बीच में जाना नहीं था। तो कितने लोग थे रोड पे जो देख रहे थे तमाशा? बहुत थे, पूरा जैसा ये घिराव ऐसा है, वहाँ भी घिराव था, बाकी आगे कोई नहीं गया। सोहेल की फोटो किसी के व्हाट्सएप पे है? फोटो है, मेरे भी है, वो जो बताओ मोबाइल में मुझे फोटो। मैं सोहेल की फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा, सोहेल कौन था जिसके साथ ये हादसा हुआ, किसी और की दुश्मनी में सोहेल छुड़ाने गया था और उसकी मौत हो गई इस पूरे खेल में। गोवंडी शिवाजी नगर, गोवंडी बाबा नगर का ये एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। एक फैमिली में से एक युवक की जान चली गई जिसकी उम्र जो है लगभग 20 साल की थी। हेलो, बुरी तरीके से मारा गया है, ये नहीं दिखा सकता। ये है सोहेल जिसके साथ ये हादसा हुआ है। आज ये है सोहेल जिसका इस हादसे में जिसका निधन हो गया, जिसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाते टाइम पे इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उम्र है 20 साल। इस तरीके से सर पे मारा गया। किस चीजों से, किन चीजों से मारा गया? बम्बू से और रॉड से, फावड़े के बम्बू से, रॉड से, टिकाव का बम्बू, चौरस है, ये चार चीज से मारा गया है। सोहेल कौन कौन है आपका? सोहेल आपका कौन लगता है? ये खाला का लड़का है, ये यहाँ पे इनकी फैमिली में और कौन बात करने की कोशिश करेगा मुझसे? उसकी मम्मी से करेंगे बात। कहाँ इनकी मम्मी? घर पे, घर पे, घर पे, घर नहीं, घर नहीं, अंदर गली में। प्रेग्नेंट है वो भी तो बात करेंगे, आप आराम से पूछेंगे तो करेंगे बात। मैं गई थी ना, अभी जाके आई। वो चौकी के लगता हो, चौकी क्या क्या हुआ? प्रेग्नेंट है, उनके पास नहीं जाएंगे। हथियार के बीच में कौन जाएगा? बोला मैं अभी, वो लोग आप बोल रहे हैं कि हथियार कल को कौन जाएगा? आपको कोई मारेगा? क्या हम क्या करें? हम भी खड़े होकर देखेंगे तमाशा। कुछ हुआ तो फिर लोग यही सोच के पीछे रहना नहीं, सब जाते उसमें। अभी आपने तो बोला ना, ये बोले उनके हाथ में लकड़ी हथियार बम्बू थे। यही चीज अगर आप आपस में लड़ रहे हो, अगर वहीं लड़े होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। हादसा होता नहीं होता। ये क्या माजरा हुआ था? आप कौन लगते हैं? आप जिसका 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 जो बंदा है जो अब नहीं रहा, अलग लड़के, क्या हुआ था ये पूरा बताओ मुझे, और जोर से बोलना ताकि मैं सुने आए लोगों को। सर हुआ ये था, कल का झगड़ा था, कल सब खत्म हो गया था, जिससे हुआ था ना वसीम से। वसीम कौन और कहाँ रहता है ये? वसीम जो मारा मारने वाला वसीम है, मारने वाला अपराधी वसीम है। कल हुआ था झगड़ा, तो हम लोग NCP देके आए थे, लेकिन कल आधा पाई हुई थी हल्की मुल्की वाजिद भाई से, मेरे खालू से, मेरी खाला को टेस्टर, खालू को टेस्टर, टेस्टर से मारे उन लोग ने। टेस्टर से मारे? हाँ, टेस्टर से खालू को मारे। कहाँ पे मारे? निशान है, वाजिद भाई। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उनको उसके बाद, उसके बाद सर हम लोग NC देने, मेरी खाला गई NC देने, एक बार NC दे के आई, फिर उन लोग तो फिर वापस, उन लोग निशान देख लो, निशान देख लो, कमर पे टेस्टर देखो कैसा मारा है, वो तो बचा लिया हम लोग, नहीं तो घुसा देता बहुत जोर से। टाका लगाए क्या? टाका नहीं, रगड़ लग गई है। तो किसने मारा ये टेस्टर से? वसीम ने मारा। वसीम, वसीम कौन कौन है? वसीम वही वसीम है जो ये जो 5-15 लड़के जो मारने के लिए आए थे, किसको मारने आए थे? तुमको मारने आए थे? हाँ। क्या हुआ था पूरा माजरा बताओ? माजरा ये हुआ, जोर से बोलो। माजरा ये हुआ था, मेरा उससे पैसा बाकी था, मेरा सामान बाकी था, वो दे रहा नहीं था, तो उससे मांग रहा था, मेरे ऊपर गाली गलौज करके और मेरे को ही मारने आ रहा था, तो मैं उसको बोला भी दे दे तो भी नहीं दिया। तो आज अपनी माँ भी को लेके आया, बहन लोग को लेके आया, मिर्ची की बुक्की डाल के मार के चले गए। कितने लोग आए थे? कम से कम 14-15 जन थे। अच्छा, फिर 14-15 जन थे, मिर्ची की बुक्की डाले आँख में और मारे, और मेरा भांजा आया तो उसको चिल्ला, वो बोला कि रुको रुको, तो लोग भागने लगे, बोलो बोलो, तो उन लोग भागने लगे, तो उन लोग को पकड़ने गया, तो उसके बाद वहाँ से उसको गरीब मेरे भांजे को रिक्शे में लटका के उन लोग ने बाम्बू से मारे।
कौन कौन था जानते हो आप, किन किन लोगों ने मारा है? मेरे को तो नाम मालूम पड़ा, वसीम था। कौन वसीम? कहाँ रहने के लिए? वसीम रोड नंबर 6 में रहता है। आपने देखा? हाँ, मैं देखा नहीं, मेरे भाई ने बताया तो उनको मालूम पड़ा वसीम था। देखे ना आप? नहीं, इसमें मैं नहीं था ना। कौन कौन था, नाम बताओ? वसीम था, वसीम के दोनों भांजे लोग थे, वसीम की माँ थी, वसीम की बहन थी। अच्छा, झगड़े में लेडीज लोग भी थे? हाँ। कितनी लेडीज थी? दो लेडीज थी। दो? पुलिस में FIR हुई है इसको लेकर, कोई कंप्लेंट करे आप लोगों ने? मैंने पहले कंप्लेंट किया था तो सर बोले मैं करता हूँ। कभी कंप्लेंट किए थे आपने? कंप्लेंट कर गया, 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया तो कंप्लेंट हुई थी, कॉपी है आपके पास? कॉपी अभी उधर ही चौकी में। ऐसी कौन सी कंप्लेंट की है कि चौकी में कॉपी छोड़ दी आपने? अभी देखे है सर। कौन सी कॉपी दी आपने चौकी में? चौकी में NC था ना। NC? नहीं, लेकिन NC नहीं, जब आपके साथ मारा मारी हुई थी, आपको आपकी वाइफ को भी मारा था उन लोगों ने, तो तब इसके ऊपर FIR नहीं हुई कि औरत के साथ छेड़छाड़ हुई, बीच सड़क पे औरत को मारा? अभी भी FIR किए थे, वो FIR कॉपी। पहले आप मेरे को सही बताओ, FIR थी कि NC थी? वो अलग अलग NC पेपर। FIR क्यों नहीं हुई? FIR क्यों नहीं हुई? NC पेपर देके छोड़। FIR क्यों नहीं हुई, सवाल ये है। आप लोग पढ़े हो? FIR क्यों नहीं हुई आपने? FIR क्यों नहीं हुई क्योंकि आपके वाइफ को मारा गया? FIR क्यों नहीं हुई? कौन ऑफिसर था? काले सर थे। काले सर थे, उन्होंने FIR नहीं ली? नहीं, खाली NC पेपर दिए। क्या कहा आपसे? NC पेपर दिए, बोले जाओ। हाँ, बोले हम लोग देखते हैं। उसके बाद? उसके बाद फिर वो दूसरे दिन नहीं आया, दूसरे दिन कुछ नहीं किया, फिर तीसरे दिन वापस वही हरकत। तो ये जो औरत जा रही है रोड से, तो उसको बोलता कि तेरे आदमी क्या मेरा वो कर लिया, गाली दिया। अच्छा, गंदी गाली दिया। तो मेरी औरत ने उसको धक्का दी, धक्का देने में तो फिर उसने फिर मेरी औरत के ऊपर हाथ उठाया और मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। तो ये कितने बजे आज 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 की घटना? ये जो आज की घटना 2 बजे के टाइम पे हुई। आपके घर में आए थे लोग मारने के लिए? घर पे आए थे सब मारने। कितने लोग थे? लोग कम से कम 14 से 15 जन थे। बर्तन कपड़े वपड़े सब निकाल विकाल के फेंके, मिर्ची की बुक्की डाल विल के मारे, मार के भागे। किसके आँख में मिर्ची की बुक्की डाले थे? मेरे आँख में डाले, मेरे बदन पे डाले, मेरी औरत के डाले, मेरे बच्चे लोग के। इसमें जब मिर्ची की बुक्की फेंका था तब आपने देखा नहीं किसने फेंका? हाँ, उसकी माँ ने और उसकी बहन ने। आपके जिस घर में आप रहते हो, आस पड़ोस कोई रहता नहीं? सब है सर, सबको मालूम है, सबने देखे। सबने देखे तो छुड़ाने के लिए उस टाइम कोई नहीं आया? तब भी नहीं आया? वो लोग इतने थे, बाम्बू उम्बू लेके रखे हुए थे, तो कौन आएगा? सब अपनी जान के पीछे भागेंगे ना, सब अपनी जान बचाएंगे तो कैसे आएंगे? गोवंडी बाबा नगर की घटना है जहाँ पर दो दोस्तों के डिस्प्यूट में, आपस की दुश्मनी में, तीसरा व्यक्ति को जब छुड़ाने जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है। और पिटाई इस कदर बुरी तरीके से होती है कि जो व्यक्ति है उसने अपना दम तोड़ दिया। सोहेल की शादी हुई थी क्या? नहीं, सोहेल की शादी नहीं हुई थी। क्या काम करता था सोहेल? क्या काम करता था? आप कौन है उनकी? नानी। नानी है आप उनकी? आप भी यही रहते हैं क्या? हाँ, मैं यहाँ। सोहेल कहाँ रहता था? सोहेल चाली में रहता है, अंदर चाली में, पीछे चाली में। हाँ। रहता है। तो अभी पुलिस स्टेशन कौन गया था? आज क्या हुआ पुलिस स्टेशन में जब ये सब हादसा हुआ? आज ये जो 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 हुआ ये सारी चीजें, तो फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए होंगे ना? उसके बाद क्या हुआ? तो वो सेतबजी में मेरा छोटा लड़का लेके गया और रो के मेरे को बोल रहा था, अम्मी सोहेल खत्म हो गया, सोहेल खत्म हो गया। मैं वो साहब को बोल रही हूँ, साहब हमारा बच्चा खत्म हो गया, जाओ बोले बाहर बैठो। ये पुलिस वाले का ऑफिसर? हाँ। क्या जवाब था? तो कौन ऑफिसर था? नाम तो नाम नहीं मालूम उन लोग का मेरे को। तो कौन ऑफिसर था? हम लोग उसकी माँ भी थी, जो बच्चा खत्म हुआ उसकी माँ भी इतना रो रही थी, लेकिन वो पुलिस वालों ने नहीं सुना। बोले हम लोग को पकड़ा, बोले जाओ उधर बैठ जाओ, बाहर सीढ़ी के पास बैठ जाओ। मतलब आप उनको जब बता रहे हो कि मेरा बच्चा मर गया, किसी ने उसकी जान ले लिया, तब भी पुलिस वालों ने आपको बाहर भगा दिया? बाहर भगा दिए, बोले बाहर बैठो जाके। मैं बोली देखो फोन आ रहा है, बच्चे को जवाब दे दिए वहाँ से, सताब जिसे नहीं ले रहे वो लोग, खत्म हो गया। तो अभी किसी को अरेस्ट किए हैं इस पूरे मामले नहीं, में? नहीं, किसी को नहीं करे, नहीं। कोई FIR हुई है इसके ऊपर? अभी सुना गया है कि दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। भगाई दे रहा है तो क्या बोल रहे हैं? भगाई कौन देगा? पुलिसों की गए सब कुछ बोले, इन्होंने बताए तो उन्होंने सुनवाई नहीं कर रहे, तो कुछ FIR क्या करेंगे? वो तो भगा दे रहा है तुरंत ही। कौन सा पुलिस स्टेशन है? शिवाजीनगर माड़ा बिल्डिंग। शिवाजीनगर कहाँ पे आता है ये? शिवाजीनगर सिंगल गोवंडी। एरिया कौन सा है? माड़ा, माड़ा। शिवाजीनगर। एड्रेस क्या पूरा? कौन से एरिया में रहते हो आप? मुंबई में कहाँ रहते हो आप? कौन से नगर?
मोहम्मद रफीक नगर। कहाँ आता है रफीक नगर? बॉम्बे में कहाँ आता है? शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर स्कूल के पास आता है। कौन सा एरिया है? गोवंडी शिवाजी नगर। हमें यही पूछ रहे हो कि आता कहाँ है? शिवाजी नगर पुणे में भी है नहीं, और बहुत जगह पे शिवाजी नगर है ना, ये गोवंडी वाला शिवाजी नगर। तो गोवंडी के शिवाजी नगर में कौन सा एरिया है? ये रफीक नगर। एरिया रफीक नगर, बाबा नगर है। बाबा नगर। अच्छा ठीक है। इसमें आपको लगता है कि इसमें सोहेल की कोई गलती थी? नहीं, सोहेल की भी नहीं। वो सोहेल की क्या गलती थी? वो मेरे को आके मेरा पोता बोला, बोले दादी पुप्पी को और पुप्पा को मार रहे बहुत लोग घर में घुस गए। तो वो सोहेल उधर खड़ा था, तो मेरे मुंह से इतना निकला कि सोहेल जरा हटा दे, बस मैंने इतना बोली। सोहेल की ये गलती थी कि वो छुड़ाने के लिए चला गया। अब मैं उसको देखी मेरी बच्चे को, वो लोग तो इधर से भागे। अब वो सोहेल को कहां से पकड़ के उधर मार दिए। क्या चीज से मारे सोहेल को? बाम्बू से मारे, बड़े बड़े लकड़े, सामान लिए थे वो लोग रिक्शा में, पूरा रिक्शा में सामान लेके आए थे, बड़े बड़े लड़के थे। जब मारपीट हुई थी तो आप में से किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया था? कोई नहीं करा, सब उसके उसमें रह गए, पुलिस चौकी जाओ वहाँ जाओ। 100 नंबर पे तुरंत फोन करना चाहिए। पुलिस स्टेशन तुम लोग गए थे ना? मैं हॉस्पिटल गया था, साइन हॉस्पिटल। पुलिस स्टेशन कौन गया था ये सब हादसा होने के बाद? उनको बुलाओ मेरे सामने बात करिए। वो भी कौन? तो FIR हुई है क्या? FIR हुई है क्या इस मामले में? FIR हुई है क्या? किसी को पकड़े है क्या? कुछ लोगों को पकड़े? किसी को नहीं पकड़े। नहीं ये नहीं, जो आपके साथ और कौन था जो यहाँ पुलिस स्टेशन गया था? वो लड़के का माँ था, वाजिद था। कौन है लड़के की माँ? लड़के की माँ गली में रह चाली में, उसका तो बहुत बुरा हाल है, घर में रो रही है। वहाँ नहीं जा सकते, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ पे लाइट चालू है, उसमें कट जाएगा। वो अभी बुला के लेके आओ, बुलाओ लेके आओ। नहीं नहीं, मतलब नहीं आने लायक नहीं है, पेट से ना नहीं आने लायक। चल चलो, एक और थोड़ा सा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पर कहाँ पे हुआ था ये हादसा? चल मेरे को लेकर, चलो हम वो स्पॉट पे चलते हैं जहाँ पे सोहेल की जान गई। चलो, कौन है वो आप? सोहेल के भाई? भाई छोटा सोहेल के भाई, वो छोटे भाई हो सोहेल? हाँ। कितने साल का था सोहेल? 20 साल। हाँ, 20 20 साल का था। गोवंडी में बड़ी आम बात है जान जाना, मर्डर होना, हाफ मर्डर और ये सारी चीजें बड़ी आम है। मतलब पिक्चरों में जैसे आप देखते हो कि कोई किसी को भी मार देता है और फिर कुछ नहीं होता, उसी तरीके से यहाँ पे एक घटना हुई। कहाँ पे हुआ था ये हादसा? इधर 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 पे, इधर इधर गिरा है लड़का। कहाँ पे? यहाँ गिरा था। और उसको लकड़ी उसमें से निकाल के मारे रिक्शे के अंदर। तुम थे क्या वहाँ पे जब ये झगड़ा हुआ? ना, मैं खिड़की पे था, खाना खा रहा था। कहाँ रहते हो आप? सामने वाले। कौन से वाली? ये वाले घर में से। अच्छा, क्या क्या हुआ था पूरा बताओ मुझे। नहीं, मैंने इतना देखा कि उसको मारे और गिर गया और उन लोग भाग गए। कितने लोग थे? उन लोग दो लोग को मैंने देखा था। दो लोग थे तो कितने लोग भागे? दो ही लोग को भागते हाँ, देखा और रिक्शा भी थी उन लोग के। लोग बता रहे हैं कि कम से कम 15 लोग आए थे मारने। मैंने दो ही लोग को देखा था जब ही वो लड़का गिरा था, पूरा ऐसा झुंड था, सब जन भाग गए थे, चाली उली मार, सब भाग गए थे, मतलब दो बच्चे थे भाग गए थे चाली उली मार के, और दो बच्चे थे। तो वो दो को मैं देखा, इसका भाई था जो गिर गया था, और सब उसको पकड़ने रह गए और उन लोग दोनों भाग गए। पुलिस ने पुलिस आई थी? पुलिस उस टाइम पे नहीं आई थी। नहीं नहीं, उसके बाद ही हादसा होने के बाद पुलिस आई। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में फिर नहीं था, मैं काम पे चली गई। और हादसा भी इधर इधर इसकी डेट हुई थी। किसकी? कहाँ पे डेट हुई थी? ये इधर, वही जो पहला स्पोर्ट नहीं ना, इधर यहाँ गिरा था। यहाँ डेट हुई थी, यहाँ पर, यही पर यहाँ मारे उसको। मेरी दुकान सामने बिल्कुल ना, वो घर देखो मेरा। हाँ, वहाँ पर था सामने, यही इसकी डेट हुई थी, यहीं पे मारा गया था। सामान लोगों ने साथ में लाया था कि यहीं पड़ी हुई? नहीं 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 नहीं, यहाँ से भी कुछ उठाए थे, यहाँ से लकड़ी उठाए थे, एक आधा उठाए थे। या कोई सीसीटीवी उठाए थे सीसीटीवी लकड़ी थी सब। सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं है? है कैमरा, उधर नीचे बंद कर दिए, उधर भी है। पुलिस वाले लोग कुछ लोग हथियार रिश्ते में लाए थे, कुछ जगह भागते रहते, इसमें एक आधा खींच लिए। हथियार रिक्शे में लाए थे? हाँ, एक आधा रिक्शे में लाए थे। क्या क्या था रिक्शे में? क्या था? फौड़े का बम्बू था। अच्छा, जब उसको मार रहे थे तो तुम ऊपर से खिड़की से देख रहे थे? हाँ। तुमने क्यों नहीं बचाया उसको? मैंने खिड़की पे था, मेरी बहन लोग पकड़े थे मेरे को, भाई झगड़ा हो रहा है, डरते। अच्छा, अगर कोई आपको मर गया तो तब
क्या करोगे तुम, मतलब तुम्हारी बहन भाग के आएगी कि वो भी दूसरी वाली बहन को पकड़ लेगी? बात सही है, बाकी इनकी फैमिली थी ना जिसका मर्डर हुआ, जिसका मर्डर हुआ कितने लोग थे उसके पूरे खानदान थे, खानदान वाले नहीं बचा पाए? अब कितने लोग नहीं था, बाद में आया था बुआ, बाद में आया। कितनी उम्र है तुम्हारी, नाम क्या है? मेरा नाम है आसिफ। आसिफ कितनी उम्र है? 20। 20 साल का ही सोहेल भी था ना? हाँ, साथ में था, दोस्त था कभी? हाँ दोस्त ही था मेरा, दोस्त था ना। हाँ। तो दोस्त गया तो दुख नहीं हुआ? हुआ ना बहुत। क्या करोगे उसके लिए अभी? क्या करोगे सर, तो मेरे साथ साइन भी नाम भी सब करके लेके गए। कौन से सर? एक क्या मांगोगे उसके मर्डर के बदले में आप? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और क्या। अच्छा एक बात मैं पूछूंगा कि इतने लोग जो आए थे इनमें से कोई नशा करता था? सब नशा खोरे, सब नशा खोरे, नशा का बेचैन ही है उनका। जो हमारा और जो हमारा वो सुपारी तक जूता था, वो कौन नमाजी पढ़ता नमाजी था वो सोहेल। अच्छा इस पूरे मामले में क्या लगता तुमको, सोहेल की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं, वो तो नमाज पढ़ने निकल के बात कर रहा खड़ा था वो तो ये माना जाए कि सोहेल की ये गलती थी कि वो झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच में चला गया। बोल के वो बीच में भागा, वो तो जो सोहेल ने गलती की तुम लोगों ने वो गलती नहीं की इसलिए तुम लोग बच गए, बस यही बात हो, यही बात हुई ना। हाँ कि अगर मदद करना गलती है सर, किसी गलती मदद करना गलती नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से अगर ऐसे 10 लोग अगर जाते सोहेल के बीच में ये गलती सब करते तो शायद सोहेल बच जाता ना, बच जाता। ऐसा मामला नहीं होता। सोहेल जो लोग आए थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब लापता, कुछ तो पहले यहाँ रहते थे, भगा यहाँ से लोग को, यहाँ से लोगों ने भगाया, 9 नंबर फ्लैट में गए, फिर फिलहाल पता चला कि माइन में कारोबार चले गया, 6 नंबर चले गया। सोहेल ना जब उन लोग भाग रहे थे ना मार के, तो सोहेल उन लोग को भागने के लिए पकड़ने के लिए भाग रहा था, तो उन लोग ने सोहेल को मार दिया, अकेला मिल गया वो स्पॉट पे, यही स्पॉट पे मारे लोग, यही पर अकेला इन लोग पीछे से आ रहे थे, यही जगह पर मारे। आज ऐसी पब्लिक खड़ी है, ऐसी पब्लिक सब खड़े हुई थी, एक लेडीज थी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, वो उनको बचाने गई थी, उठाई भी थी उनका रानी रखा, वो बचाने भी गई थी, बाकी वो उससे संभाला नहीं था वो, और मेरा दोस्त उठाया उसको आजाद नाम। तो हॉस्पिटल कौन लेके गया फिर सोहेल को? जब सोहेल को जब गिरा सोहेल नीचे, सोहेल कैसा था, मतलब कौन से हॉस्पिटल लेके गया था? कौन लेके गया था हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कौन लेके गया था? दिलीप भाई, दिलीप भाई कर गया उनका, और कौन सा उनका मामू है रियाज करके, और रिक्शा ड्राइवर था, और समीर नाम का एक है मेरा दोस्त, वो भी वो उसके साथ में था, एम्बुलेंस में भी वो उसके साथ में था। अच्छा झगड़ा दो अलग अलग लोगों का था, ठीक है, उसमें सोहेल बचाने जाता है, बचाने जाता है, तो अब सोहेल को उन्होंने मारा, तो ये एक्सीडेंशियल डेथ बोलेंगे या मर्डर? मर्डर है, समीर का भाई है, मतलब मेन मेरी खाला को, मेरे खालू को मारने आए थे, और मेरे भाई समीर को जो सोहेल का सगा भाई है बड़ा वाला, वो अभी बेहोश पड़ा घर में अपनी माँ के साथ में, उसको मारने और खाला खालू को मारने आए थे, तो ये मस्जिद के बाहर नमाज जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर खड़ा था, तो नानी ने बोले देख उधर चाली मस्जिद के बाहर, एरिया कौन सा है ये? बाबर अहमद मस्जिद, गोवंडी, मुंबई, गोवंडी का माजरा है, गोवंडी का माजरा, तो मतलब ये पीछे क्या कब्रिस्तान है? रफीनगर कब्रिस्तान है, अच्छा गोवंडी रफीनगर कब्रिस्तान के पास पूरा हादसा हुआ है, कब्रिस्तान रोड। चलो फिर उसके बाद, फिर उसके बाद उनको जब नानी ने बोले ना जा देख उधर गली में क्या हो रहा है, तो सोहेल गया, तो इन लोग वसीम और उसकी जो फैमिली है बहन है उसकी, मारने में वो 4 लोग का ज्यादा था, एकदम बम्बू जिनके हाथों में हथियार था, हथियार भाई लोग कुछ लोग ऐसे थे आगे पीछे थे, और नंबर भी बताता हूँ मैं, उन लोग की रिक्शे में सोहेल को सताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, उन लोग नहीं लेके गए, नहीं उनकी रिक्शे में हम उसको हॉस्पिटल, हमारे लोग सब लोग आए ना उसके घर वाले, तो वो भाग लिए उन लोग, दो रिक्शे थे, आप बता रहे थे ऑटो का नंबर, कुछ याद है नंबर? याद है मेरे को 20-2030। कहाँ है रिक्शा अभी? चौकी में जमा, वाले लेके गए कि आप लोग जमा करें? हम लोग शताब्दी से हम जमा कर रहे हैं, टोचन मार के शताब्दी से मेरे सरफराज मामू ने जमा करवाए। अरे वो काले साहब ने अभी क्या समीर को जमा करवाए थे हम लोग ने, जो आरोपी था जो मारा था, आरोपी को अरेस्ट किसने किया था, कितने लोग थे टोटल पूरे खेल में? टोटल अपना 3 आदमी थे, एक रिक्शा ड्राइवर था, 2 लेडीज थे,
तीन लोग थे पुलिस में। हाँ, और जो पैदल थे उसका नहीं मालूम, मैं तो बीएमसी में वर्कर हूँ। हाँ। मैं बाद में आया। अच्छा। ये मेरा भांजा जी मेरे को बताया पूरा टोटल। अच्छा। तो अभी क्या मैटर है, जो जिसको जमा करवाया उसमें से एक आदमी को समीर को छोड़ दिया। समीर को छोड़ में था। हाँ था, मैं हूँ ना, मैं देखा हूँ। तुमने देखे पुलिस ने छोड़ दी समीर को? छोड़ दी। क्या बोल के छोड़ी? अभी ये बोला गया कि दो दिन के लिए छोड़ा गया है, मेन आरोपी नहीं मिला है, मिल जाएगा, दो दिन के लिए छोड़े अभी। ये कहा जा रहा है हमसे? कोई अभी बोल रहे अभी आरोपी क्या, आज ही आरोप हुआ और आज ही एक आरोपी को छोड़ दिया गया। आज ही क्राइम हुआ और आज ही एक आरोपी को छोड़ दिया गया। ये मुंबई पुलिस है, ये यहाँ की पुलिस है, ये इंसाफ नहीं करती। मुंबई पुलिस की बात नहीं है, बात मुंबई पुलिस में अपना काम करती है। मुंबई पुलिस को आप सबको बदनाम नहीं कर सकते। एरिया जो है यहाँ की, जो पुलिस स्टेशन है, कौन सा एरिया है, कौन सा पुलिस लगती है? शिवाजी नगर माड़ा। माड़ा, शिवाजी नगर माड़ा। कहाँ आता है शिवाजी नगर? शिवाजी नगर मेन मेन मानकुर, ये नवी मुंबई लिंक हाईवे पे, घाटकोपर मानकुर लिंक रोड, गोवंडी शिवाजी नगर है ना, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन। तो अभी वो ये सब जो हादसा हुआ है ना शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से, अभी क्या अपील है आपकी, लोग क्या चाहते हो आप लोग? मैं इंसाफ चाहता हूँ और पुलिस पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक से करे, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। पुलिस पकड़ा है ना किसी को, समीर को पकड़ा है ना, पुलिस वाले उठा लेंगे तेरे को, पागल है क्या? ऐसा बोलेगा तो कब दिन से उठा लेंगे पुलिस वाले। अरे उठा लेंगे, ऐसा कैसे उठा लेंगे? अब कानून है, मेरे घर में 8-8 पुलिस वाले कल घुस गए थे। क्यों? मेरे कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरे भतीजे को जबरदस्ती फंसा दिया गुंडा स्टाफ। कौन ऑफिसर साहब? आज सुबह गुंडा स्टाफ था, सुबह हमारे फंसाया मेरा भाई साहिल, कुछ भी नहीं किया, फंसा दिया उसको 307 में। क्या करे 307 में? क्या नाम है उसका? साहिल। भांजी का ऐसा हुआ, जब भी कुछ नहीं, आरोपी को छोड़ देते, जो बेगुनाह उसको ढकेल देते। 3 महीना पहले कुछ हुआ है, नाम डाल दिए, अरेस्ट हो गया, कोई मिला नहीं, तो मेरे भाई का नाम डाल दिए। चाचा के लड़के? कौन से भाई का? चाचा के लड़के का। 20,000 देंगे ना तो सब काम होता। कितना? 20,000 देंगे तो सब काम होता। कल के दिन मैं जमा हो जाऊंगा। मुंबई पुलिस की छवि तो कैसे बना के रखी गोवंडी शिवाजी नगर में? अभी आप बोले ना 20,000 के लिए, तो आप भी 20,000 रुपए देके इसका लोग अरेस्ट करवाओ, चलेगा हिस्सा चाहे 1-2 महीना काम करेगा। 20,000 रुपए देके आप क्यों लोग अरेस्ट करवाते? काम नहीं करवाते सर हम लोग, कौन सा काम? रिश्वत देके हम लोग काम नहीं करवाते, हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग सीधे साधे लोग है, गुंडे लोग नहीं है। उन लोग गुंडे लोग है, उन लोग नशा बेचते हैं, सब उन लोग का कारोबार है, रिश्वत देना, ये करना, वो करना। सीधी सीधी पब्लिक अभी फिलहाल पुलिस ने आरोप लगा रही है, ना इंसाफ चाहिए सर, पब्लिक अभी छोड़े उसको, सपोर्ट कर पा रही है। आरोपी को क्यों छोड़े? कहीं से कहीं तक के आरोपी को क्यों छोड़े? अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, कौन FIR ले रहा है इसके ऊपर? FIR हुई क्या? काले साहब का नाम सुनाऊं मैं अभी चौकी जा रहा हूँ। ऑफिसर कौन है अभी, जो ये जो केस हुआ है इसका केस रजिस्ट्रेशन किसने किया? सीनियर ने। आप समझे नहीं मेरे? सॉरी, सीनियर PI होता है पुलिस स्टेशन में, एक कोई भी केस के ऊपर एक IO काम करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो कौन है? IO कांडिकर कांडिकर जान है। हां जो नाइट में है ना वो है। कौन है, नाम पता है आपको? किसी का नाम जानते हो आप? नाम नहीं है उसका, कांडिकर जैसा कुछ नाम है उनका, और काले साहब भी है। तो काले साहब तो अभी है वो? हाँ है, चौकी में जाके आए। तो उनसे बात भी आपकी? नहीं बात नहीं किया मैंने, बात किया दूसरे दिन, वो बोलते क्या हालते एक दो दिन में छोड़ देंगे। तो एक दो दिन का मतलब क्या है कुछ समझा नहीं। कोला रे, कोला। कौन कौन है ऑफिसर है? कौन कौन है ऑफिसर? कोलार, कोलार नाम है। किसका नाम है कोलार? नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? आप कभी काले का नाम ले रहे हो, कभी कोलार बोल रहे हो, और नहीं नहीं सर ऑफिसर यानी इस केस के अंदर, पुरानी चीजें छोड़ दो, इस केस में FIR कोलार इनको मालूम है। मैं यहाँ था नहीं, मैं चौकी में भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो चौकी में आप थे तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑफिसर ने FIR यहाँ पे, ये जो FIR लिए ना उसके अंदर कौन ऑफिसर अलग लिए? वहाँ पे मैं देख रहा था ना, स्टाफ वाले के साथ में था, आरोपी लोग को पकड़ा रहा था। अभी जो आरोपी को पकड़ाया वो आरोपी को छोड़ दिए। छोड़ दिए, क्या बोल के छोड़े उसको? बोलते एक दो दिन में क्या हालते मेन आरोपी को पकड़ेंगे, मेन आरोपी अब नहीं मिला तो वो आरोपी एक दो दिन में काम खलास उसका। तो IO को नहीं, आपको नहीं पता? IO उसमें अपना IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इस पूरे मामले की जो जांच करेंगे वो। हाँ हाँ, जो जांच करेगी। हाँ, ये जो भी इस पूरे मामले को जो कोलार कुनाल है बोलते हैं, कोलार कुनाल क्या नाम है, क्या नाम है? कोलार कुल्हाड़ ऑफिसर है। चलिए ठीक है, तो
घटना में आपको फिर से एक बार बता दूं, हम लोग अभी इस वक्त खड़े हैं रफी नगर एरिया में, रफी नगर गोवंडी का एरिया है, गोवंडी के हार्बर लाइन में आता है गोवंडी, और गोवंडी के जो गोवंडी के अंदर जो एरिया है जिसको रफी नगर कहा जाता है, रफी नगर के अंदर एक बाबा नगर करके छोटा सा एरिया है, वहाँ पर एक हादसा हुआ जहाँ पर दो लोगों की आपस में कुछ दुश्मनी थी या कुछ उनकी बहसबाजी हुई, जिसके बाद में तीसरा व्यक्ति छुड़ाने के लिए जाता है तो लोग उस पर हमला करते हैं, और इस हादसे में 20 साल के युवक जिसका नाम सोहेल है उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, और इस यहाँ पे रफी नगर कब्रिस्तान के बिल्कुल ठीक पास उस वक्त व्यक्ति की, उस युवक की जान चली गई जो अनमैरिड था, 20 साल का रहने वाला है ये। तो हम लोग अभी इस वीडियो को यहाँ से समाप्त मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और मेरी अपील है प्रशासन से और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि इस तरीके की जो घटना है उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शिवाजी नगर गोवंडी के अंदर हादसा, मर्डर और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आम बात है। हमारे साथ नुक्कड़ लाइव पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।